हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बूरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम में आपका फिर से स्वागत है। देखो, अब हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वांटम केमिस्ट्री का गेट 2002 की प्रॉब्लम है, जिसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा गया था। देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फ्री पार्टिकल इन साइड द लेफ्ट हाफ ऑफ द 1D बॉक्स। आपको एक बॉक्स दिया है ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल है मतलब जीरो से एल के बीच में लाई करता है, और इसने क्या बोला है, लेफ्ट हाफ बोला है। हाफ का मतलब क्या है, आपके पास एल बाय टू है, लेफ्ट हाफ का मतलब है कि जीरो से एल बाय टू के बीच के बारे में बात किया है, इसके बीच में प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है उसके बारे में बात की गई है। अगर राइट हाफ लिखता तो आप एल बाय टू से एल के बारे में बात करते, इसने लेफ्ट हाफ बोला है इसका मतलब जीरो से एल बाय टू के बीच में प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है वो आपको बतानी है। अगर आप नॉर्मली देखो, मैंने आपको जिस टाइम पे प्रोबेबिलिटी कराई थी, आप वीडियो के अंदर जाकर देखना, मैंने आपको सब कंक्लूड करके बताया था कि अगर जीरो से एल बाय थ्री टू एल बाय थ्री या फिर एल तक अगर आपसे पूछता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो से एल बाय फोर्थ तब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, वो सारी चीजें मैंने कंक्लूड करके भी बताई थी। तो मैंने वहां बताया भी था, अगर जीरो से एल है 50% हाफ पोर्शन में पूछता है, मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी यहां रहेगी, 50% प्रोबेबिलिटी यहां रहेगी, इसका मतलब आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 1/2 आपके पास आंसर आएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी एक चीज और हमने पढ़ी थी कि जब भी हम जीरो से एल बाय बॉक्स की बात करते हैं, जीरो से एल की बॉक्स, एल बॉक्स की जब हम बात करते हैं, उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और वो फॉर्मूला क्या था, रूट सॉरी एक्स बाय एल माइनस 1/2 n π x साइन। देखो, याद रखने का तरीका भी बताया था, एक्स बाय एल माइनस 1/2 n π साइन 2 n π एक्स बाय एल, क्या आ जाएगा, 2 n π एक्स बाय एल आपके पास हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, आपके पास लिमिट है वो जीरो से एल बाय टू की बात की है, इसका मतलब लिमिट भी आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो से एल बाय टू आपके पास हो जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, लिमिट जीरो से एल बाय टू करके साई स्टार साई डी एक्स है, वहां से भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, साई वेव फंक्शन की वैल्यू को पुट करके √2/L साइन एन पाई एक्स बाय एल करके। अदरवाइज मैंने आपको कहा था कि कोई भी अगर आपसे पूछा जाए, किसी भी सिस्टम के लिए पूछा जाए, यहां तो जीरो से एल बाय टू पूछा गया था, अगर जीरो से एल के बीच में कुछ भी पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो आपके पास कैसे आएगा, आपको लिमिट क्या करनी है, जीरो से एल बाय टू पुट करनी है, जीरो से एल बाय टू, यहां पर भी क्या होगा, जीरो से एल बाय टू पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/L है, पहले L बाय टू आएगी, माइनस में क्या हो जाएगा, जीरो आपके पास, माइनस 1/2 n π आपके पास, यहां पर क्या है, साइन है। अब देखो x की जगह पहले क्या करोगे, l बाय टू पुट करोगे, फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आपके पास 2 n π l बाय टू, ये l एज इट इज आपके पास, माइनस में क्या हो जाएगा, आपके पास साइन जीरो हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई आपके पास, माइनस में साइन जीरो पुट करोगे, जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन जीरो आपके पास आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, सिर्फ आपके पास यहां पर साइन एन पाई बचा, माइनस में क्या हो गया, साइन जीरो आपके पास, और आपको पता है साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो आपके पास, और साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो आपके पास, तो ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास जीरो हो गई, और जीरो को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाता है, जीरो। अब देखो क्या बना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/L आपके पास इंटू
जीरो तो है ही, आपके पास सिंपल क्या बच गया, एल बाय टू बच गया, एल से एल आपके पास कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, वन बाय टू आपके पास आ गया। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके तब भी आप इसको निकाल सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी बॉक्स की लेंथ है, कहीं से भी कहीं की पूछता है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो कभी भी मार नहीं खाओगे। तो सही आंसर अगर मैं बात करती हूँ, डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अगली प्रॉब्लम के साथ। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।